हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जूलॉजी पेपर थर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, और जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लगता है, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में पता चलता है, और ये भी पता चलता है किस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी चीज़ है। 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो 3 और 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको बेहतर तरीके से तैयार करके जाना है, आपको क्वेश्चन कुछ हद तक रिपीटेड मिल सकते हैं। और यहाँ पे पेपर थर्ड हमारा फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर डिफर कर सकता है, क्योंकि बीएससी सेकंड ईयर का जो पूरा सिलेबस है वो हर जगह सेम है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसका पैटर्न अलग अलग है, मींस इसका अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो सकता है। जो पेपर थर्ड में जो सिलेबस है, मे बी वो आपके में पेपर वन का सिलेबस हो, या फिर जो पेपर वन का सिलेबस है वो आपके में पेपर थर्ड का सिलेबस हो सकता है, मींस ऊपर नीचे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कौन से टॉपिक्स इसमें कोरिलेट कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में यही पैटर्न फॉलो होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें थोड़ा बहुत डिफर करता है सिलेबस, ठीक है। ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। तो देखते हैं, यहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी और सी। पहले सेक्शन में आपको 50 वर्ड्स में आंसर देना रहता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, और आपको सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने रहते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन भी गिवन होता है कि 10 में से आपको 5 या 6 अटैम्प्ट करने रहते हैं, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी में कंफर्म कर सकते हैं कि ऑप्शन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। पहला यहाँ पे मोनोसेक्राइड, मोनो मीन्स होता है 1 और सेक्राइड मीन्स होता है शुगर की यूनिट। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें शुगर की सिंगल यूनिट अटैच होती है। जैसे कि आप ग्लूकोज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज जो है एक मोनोसेक्राइड है, और फ्रक्टोज का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड्स हैं। फिर सेकंड देख लेते हैं पेंक्रियाटिक जूसेस के बारे में। जो पेंक्रियाज है वो हमारा कुछ जूसेस सिक्रीट करता है, यानी एंजाइम सिक्रीट करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीट करता है, काइमोट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, कुछ एंजाइम्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीट करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करती है, और एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करता है। एमाइलेज एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करती है, और लाइपेज एंजाइम जो है सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस में, जो कि फैट के डाइजेशन में मदद करती है। तो मेनली ये 3 तरह की एंजाइम सिक्रीट होती है पेंक्रियाटिक जूसेस में, और सभी का काम अलग अलग है। प्रोटीन का डाइजेशन करती है, ये कार्बोहाइड्रेट का, और ये फैट का। इससे सभी चीजें आपको मेंशन कर देनी है, 50 वर्ड्स में ही आंसर करना है, एडिशनल कुछ भी नहीं लिखना है। फिर न्यूरॉन के बारे में बताना, जैसा कि आपको पता होगा न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की, उसके बारे में आप बता देंगे। न्यूरॉन में कितनी चीज़ें होती हैं, एक्सॉन होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, माइलिन शीट होती है, पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होगा, 12th में भी ये था, तो आप वह डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पैराक्राइन के बारे में पूछा जा रहा है, पैराक्राइन क्या होता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। फिर लिम्फ क्या, लिम्फ जो है व्हाइट कलर का फ्लूइड है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और ये जो लिम्फ है इसमें WBCs होती है, मेनली लिम्फोसाइट्स होती है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती है, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। फिर कोएंजाइम्स क्या होती है, एंजाइम का एक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है, मींस जो पूरी एंजाइम होती है, जो उसकी एक्टिव साइट्स होती हैं, उनसे जो मॉलिक्यूल बाइंड करता है, उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। कोएंजाइम के भी आगे फर्दर 2 पार्ट है, तो वो चीज़ें आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं 50 वर्ड्स में। फिर देख लेते हैं यहाँ पे साइनैप्स के बारे में। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो फंक्शनल यूनिट होती है ब्रेन की, 2 न्यूरॉन्स के बीच की जो गैप होती है उसको हम साइनैप्स कहते हैं, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ड्यूग्लुटेनेशन क्या होता है, आपको पता है निगलना होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जनरली आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा होगा और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो लोअर कंसंट्रेशन का जो रीजन होता है, वहां से मॉलिक्यूल ट्रांसफर करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन का जो भी सॉल्यूशन होता है वो हायर की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कहां क्या होता है, जिस रीजन में लो कंसंट्रेशन होता है वहां से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन में। तो ये अपोजिट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि जब ये अगेंस्ट में हो रहा है, अगर ये हाई से लो की तरफ जा रहे होते तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में ही चलते हैं। ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जिस भी टॉपिक के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। और यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस के बारे में पूछा जा रहा है, डायबिटीज मेलिटस को हम डायबिटीज भी कहते हैं नॉर्मल में। डायबिटीज 2 तरह की होती है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, तो 2 अलग अलग तरह की होती है। डायबिटीज मेलिटस के बारे में पूछा जा रहा है, इसको डायबिटीज भी कहा जाता है, नॉर्मल डायबिटीज। और इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर देख लेते हैं सेक्शन बी में, हमें 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है, इसमें भी आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन के बीच में जो और ऑप्शन गिवन है, इसमें दोनों में से आपको जो बेहतर तरीके से आता होगा आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देख लेते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको डिफाइन करना है, उनका क्लासिफिकेशन बताना है, उनके एग्जांपल्स बताने हैं, और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बतानी है कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद ऑप्शन में बताना है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेस्पिरेशन। हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो रेस्पिरेशन में कैसे मदद करता है, क्या इंपॉर्टेंस है रेस्पिरेशन में, ये आपको बताना है, ये भी एक लॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन मैमल्स, ये तो पूरी किडनी की फंक्शनिंग आपको इसमें बतानी होगी, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है मैमल्स में, ठीक है। ह्यूमन बींग में बेसिकली आपको पूरा बताना होगा यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत लेंदी टॉपिक से इलेबोरेट मेथड में बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको और ऑप्शन में फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, कौन से कैल्शियम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये पूरी फिजियोलॉजी आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है इसमें डिस्क्राइब करने, ये दोनों मसल फटीक क्या होता है, फटीक मीन्स थकान होती है, टायर्डनेस होती है, तो मसल जब प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है तो वो मसल फटीक कहा जाता है उस प्रोसेस को। और हैम्बर्स
हैम्बर्स फेनोमेना क्लोराइड शिफ्ट होती है। क्लोराइड शिफ्ट आपने 12th में भी थोड़ी सी पढ़ी होगी, रेस्पिरेशन का टॉपिक ही है। तो हैम्बर्स फेनोमेना को, हैम्बर्गर्स फेनोमेना को हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं और ये आरबीसीज के रिलेटेड एक प्रोसेस है। फिर कार्डियक साइकिल क्या होती है, कार्डियक साइकिल हमारी 0.8 सेकंड की होती है। कार्डियक साइकिल मींस जब एक डायस्टोल होता है और एक सिस्टोल कंप्लीट हो जाता है उसको हम पूरी एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन, जब हमारे हार्ट की मसल्स रिलैक्स करती हैं तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं, ठीक है, डायस्टोल। और उसके बाद जब ये हमारी हार्ट की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। तो ये जब एक डायस्टोल और एक सिस्टोल जब पूरा हो जाता है तो दोनों को मिला के पूरी एक कार्डियक साइकिल पूरी हो जाती है। मैंने क्या बताया, एक डायस्टोल और एक सिस्टोल मिला के पूरी एक कार्डियक साइकिल पूरी हो जाती है जो कि 0.8 सेकंड्स की होती है। यह आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। फिर एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताना है और नर्व कंडक्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में ये बताना है। शॉर्ट नोट देना है काउंटर करंट मैकेनिज्म जो कि किडनी में होता है, यूरिन फॉर्मेशन के समय ही ये एक्शंस भी होते हैं मैकेनिज्म, ये आपको डिस्क्राइब करना है। फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है, जो मैंने गैप बताया था साइनाप्स, वहाँ पे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज किए जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। साइनाप्स में बता चुकी हूँ, दो न्यूरॉन के बीच की गैप को कहते हैं। उसके बाद कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, उनके बारे में आपको इलैबोरेट मैंने बताना है, उनका एक एक का फंक्शन बताना है। जैसे 3F के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन, वो सब आप इसमें बता सकते हैं। फिर टेम्परेचर एंड रेगुलेशन ऑफ प्रोक्लियोथर्म्स, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में आपको यहाँ बताना है। फिर यहाँ पे आपको सी सेक्शन आ जाएगा जिसमें आपको 500 मार्क्स में आंसर देना है। यहाँ पे पेसमेकर क्या होता है, एसए नोड के बारे में आपको बताना है। हमारे हार्ट में जो एसए नोड होता है जिसको हम पेसमेकर कहते हैं उसके बारे में बताएंगे, और हार्ट बीट के जितने भी रोल्स होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप लॉन्ग आंसर में बता सकते हैं। फिर यहाँ पे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बाइल, लिवर के जो बाइल का प्रोडक्शन होता है उसका क्या कंपोजिशन होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में बताना है। एक्टिव साइट क्या होती है किसी एंजाइम की और एंजाइम एक्शन क्या होता है ये बताना है आपको। फिर ऑस्मो रेगुलेशन मैमल्स में कैसे होता है ये बताना है। और मेसल फटीक, देख लीजिए एक ही क्वेश्चन पेपर में मेसल फटीक दो बार रिपीट हुआ है। और फिरोम्स क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं हमारी बॉडी में। इनमें जो आयरन होता है वो पाया जाता है मेटल, और ये ऑक्सीजन जो है कैरी करती है हमारी बॉडी में। तो ये था क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। इसमें से अगर आप कुछ आपको डिटेल में चाहिए होगा तो बता सकते हैं, और अगर आपके पेपर से, आपकी यूनिवर्सिटी से पेपर ये सिलेबस मैच नहीं हो रहा तो आप दूसरे पेपर्स का जो बताइए, दूसरे पेपर्स की भी अपलोड कर, मे बी उसका सिलेबस आपके पेपर से मैच कर जाएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में जो सिलेबस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।